मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उम्मीदों का नया साल, संगम नगरी में विकास की नई सुबह, सड़कों पुलों का बिछेगा जाल। संगम नगरी की नई सुबह विकास की पुरवाई लेकर आएगी। करीब 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से नया साल संवरने वाला है। इनर रिंग रोड 6 लेन पुल के अलावा भारद्वाज मुनि विमानन केंद्र की स्थापनाएं शहर को प्राचीनता से नवीनता के नए मानकों के रूप में स्थापित करेगी। अक्षयवट को विश्व पटल पर कॉरिडोर के रूप में संवारा जाएगा। हनुमान मंदिर कॉरिडोर, त्रिवेणी बांध रोपवे परियोजना और पहली बार 7 पक्के घाटों के निर्माण से संगम की सूरत ही पूरी तरह बदल जाएगी। संगम के शहर में महाकुंभ 2025 से पहले 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के नेतृत्व में गठित प्रमुख सचिवों की शीर्ष समिति इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इन अहम परियोजनाओं में SRN में स्वीकृत कैंसर शोध संस्थान, भारद्वाज आश्रम में विमानन केंद्र, संगम पर रोपवे, वाटर स्पोर्ट्स, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर परियोजनाएं सबसे अहम हैं। इनमें 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले 6 लेन सेतु के साथ ही 8000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इनर रिंग रोड परियोजना भी शामिल है। 10 माह में बदल जाएगी प्रयागराज जंक्शन की तस्वीर। अगले वर्ष महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। उसे देखते हुए संगम नगरी की परिवहन सुविधा को और बेहतर किया जा रहा है। वायु सड़क और रेल मार्ग दुरुस्त करने के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। अगले 10 माह में ही प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड की बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रयाग जंक्शन, फाफा मऊ जंक्शन, जो अमृत भारत स्टेशन योजना में चुने गए हैं, उसे भव्यता दी जा रही है। वर्ष 2024 में परिवहन के क्षेत्र में प्रयागराज को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। 960 करोड़ रुपए में हो रहा प्रयागराज जंक्शन का पुनर्विकास। विरासत भी और विकास भी थीम पर प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास का कार्य 2 चरणों में होगा। पहले चरण का कार्य सिविल लाइन साइड में शुरू हो गया है। महाकुंभ के पहले यहां एक 9 तल की नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। ये बिल्डिंग 45 मीटर ऊंची होगी। स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। सिविल लाइन साइड में कॉन्कोर्स की पाइलिंग हो गई है। यहाँ नए स्टेशन पर 42 लिफ्ट, 39 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। प्रतीक्षालय, शौचालय, निःशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन, एक उत्पाद के लिए कियोस्क, पार्किंग आदि की बेहतर व्यवस्था होगी। इसके अलावा हाई लेवल प्लेटफॉर्म, 2 कॉन्कोर्स, 12 मीटर चौड़े पैदल यात्री पुल का निर्माण कार्य आदि प्रमुख रूप से शामिल है। स्लीपिंग पॉड का निर्माण भी इसी माह पूरा हो जाएगा। महाकुंभ के पूर्व रेल कोच रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे। दिव्यांग फ्रेंडली होने के साथ स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग भी होगा। 251 करोड़ रुपए से संगम पर तैयार होगा रोपवे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के पहले संगम पर श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत रोपवे बनना है। इसको तैयार करने के लिए शासन की तरफ से 251 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसको दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। पीडीए की तरफ से इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए 2 स्टेशन तैयार किए जाएंगे। संगम की तरफ शंकर विमान मंडप के पास स्टेशन तैयार होगा और दूसरी तरफ अरैल में त्रिवेणी पुष्प के पास इसके लिए स्टेशन तैयार किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।